हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी टेक्नोलॉजी चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर, और मैं हूं आपका दोस्त एपी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर डेली देखिए लेटेस्ट ऑटो न्यूज़, कार एंड बाइक रिव्यू और लेटेस्ट गैजेट रिव्यू। फ्री में सब्सक्राइब करें लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, साथ ही दबाएं बेल का आइकॉन ताकि जब भी नई वीडियो इस चैनल पर आए सबसे पहले आप उसे देख पाएं। दोस्तों, मारुति अब लाने वाली है एक ज़बरदस्त गाड़ी। जो देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी है, वह भी इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में कूद पड़ी है। दोस्तों, यूं तो मार्केट में कई जानी मानी कंपनियां पोल्यूशन फ्री और ईंधन फ्री सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार ला चुकी हैं, और शीघ्र ही लेटेस्ट गाड़ियां और भी आने वाली हैं जैसे फोर्ड, महिंद्रा आदि की। लेकिन इस सेगमेंट में सबसे बड़ा धमाका मारुति का ही होगा, जो देश की नंबर वन कंपनी है। फ्रेंड्स, आज के लेटेस्ट ट्रेंड में जो पोल्यूशन फ्री गाड़ियों की तरफ हमारा पर्यावरण मंत्रालय ले जा रहा है, जो उसका आदेश है, उसके अनुसार इसमें कई कंपनियां अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं, जैसे कि फोर्ड है, महिंद्रा है, जो अपनी कई लेटेस्ट गाड़ियों में इलेक्ट्रिक और भविष्य में सोलर गाड़ियां भी लाने वाली हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो वैसे आ भी चुकी हैं महिंद्रा की, जैसे आपने सुना होगा E20 वगैरह हैं। लेकिन इसी सेगमेंट में आज तक आपने देखा होगा जो देश की नंबर वन कंपनी है मारुति, उसका अब तक मौन थी, यानी इस बारे में उसने अभी कुछ नहीं किया था। लेकिन बहुत जल्दी मारुति भी इसी सेगमेंट में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है, यानी एंट्री करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो नेचुरल ही है कि अगर मारुति इसमें कुछ करेगी तो ज़बरदस्ती होगा और पब्लिक का रेस्पॉन्स भी उसे धमाकेदार ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मारुति लिथियम आयन बैटरी पर आधारित अपनी जानदार और शानदार गाड़ियाँ मार्केट में लाने वाली है। फिलहाल उसकी अभी टेस्टिंग शुरू होने वाली है कुछ समय में, और जैसे ही टेस्टिंग पूरी होगी तो अगले नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन में ये गाड़ियां प्राइवेट बायर्स के, लेकिन हमारे आपके लिए मार्केट में आने लगेंगी। लेकिन फिलहाल अभी टाइम है, हमें नेक्स्ट फेस्टिवल सीजन का इंतज़ार करना होगा दोस्तों। और ये गाड़ियां बड़े ही अच्छे वर्जन वाली आने वाली हैं, जैसे कि वैगनार है या स्विफ्ट है, और भी कई गाड़ियाँ हैं जो अच्छे सेगमेंट में है, उन्हें सही रेटों में मार्केट में लाने वाली है मारुति। फिलहाल अब इसके ज़्यादा अपडेशन मार्केट में मौजूद नहीं है फ्रेंड्स, जैसे ही इसके बारे में और लेटेस्ट सूचना मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं इसके बारे में, मारुति की नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में? अगर आप भी मारुति के फ़ैन हैं तो वीडियो अवश्य शेयर करें अपने फ्रेंड्स को।